चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम डी ब्लॉगली वेवलेंथ हो तो दोनों में से किस पार्टिकल की स्पीड ग्रेटर होगी इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्लॉगली वेवलेंथ विच पार्टिकल्स हैज ग्रेटर स्पीड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की स्पीड ग्रेटर होगी प्रोटॉन से इसकी रीजनिंग करते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डी डीप्लॉगलिंग हाइपोथिस जो वेवलेंथ है हमारे पास वो किस एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स मूविंग पार्टिकल से इसको हम लोग लिखते हैं कि लेमदा इज इक्वल टू एच अवर एम वी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसी के साथ एसोसिएटेड होगी क्या चीज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ सो यहाँ से अगर हम लोग वी को निकालना चाहें तो क्या होगा एच अवर एम लेमदा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लेमदा है वेवलेंथ सेम है किसके लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए और एच जो है प्लैंक कॉन्स्टेंट वो भी सेम है किसके लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तो फिर हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैस यानी कि अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी मैस डिक्रीज़ करेगा और मैस जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी सो so, हम लोग लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम है किससे मैस ऑफ प्रोटॉन से इसी वजह से जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर ग्रेटर होगी किससे स्पीड ऑफ प्रोटोन सेलेक्ट्रॉन इज लेस दैन प्रोटोन देर फॉर द इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर स्पीड सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूफ किया कि मैस के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटोन थैंक यू